आज हम 46 से लेकर के 50 तक पूरे पांच इडियम्स एंड फ्रेजेस पर कमांड हासिल कर लेंगे। आज का पहला है मदर विट, स्वाभाविक चतुराई, ऑयली टंग, खुशामदी जबान, पामी डेज, सुख समृद्धि का समय, पेटिकोट गवर्नमेंट, औरतों का शासन, प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष। पहले मदर विट, विट का हिंदी है बुद्धि, बुद्धि। तो मदर विट मतलब बुद्धि, और मतलब मदर से हासिल की गई बुद्धि, ऐसा हो सकता है। तो इसे कहेंगे स्वाभाविक चतुराई, मदर विट मतलब स्वाभाविक चतुराई। यूज किया, बीरबल इज नोन फॉर हिज मदर विट। स्वाभाविक चतुराई, अपने स्वाभाविक चतुराई के लिए बीरबल जाने जाते हैं। बीरबल इज नोन फॉर हिज मदर विट, अपने स्वाभाविक चतुराई के लिए बीरबल जाने जाते हैं। नाउ ऑयली टोंग, ऑयली टोंग मतलब, टोंग का मतलब तो जबान होता है, ऑयली मतलब तेल से लथपथ जबान, ऐसा होता है नहीं है लेकिन ऐसा बना हुआ है, ऐसा फ्रेज बना हुआ है, और इसे बोलते हैं खुशामदी जबान, खुशामद करने वाला जबान। खुशामद का ऐसा झूठा भी और सही भी, किसी भी तरह का झूठा तो उसे निगेटिव और अच्छा खुशामद तो उसे पॉजिटिव कह लीजिए, लेकिन ऑयली टंग मतलब खुशामदी जबान, खुशामद करने वाला जबान। सम पीपल, कुछ लोग यूज यूज करते हैं ऑयली टंग, खुशामदी जबान को फॉर देयर सक्सेस, अपनी सफलता के लिए। कहीं वो इतना प्रशंसा करते हैं कि जिसे जो हेड होता है वह आगे बढ़ाते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है, प्रमोशन होता जाता है। तो ऐसे कुछ लोग ऑयली टोंग से प्रमोशन पाते हैं, सफलता हासिल करते रहते हैं। नाउ पामी डेज, पामी मतलब खुशी, खुशी, और पामी में एल साइलेंट होता है इसलिए इसे पामी पढ़ते हैं, पालमी नहीं पढ़ते हैं। तो पामी डेज, तो खुशी के दिन, ऐसे ही इसका मतलब हुआ, लेकिन यहाँ पे है सुख समृद्धि का दिन, ऑलमोस्ट मतलब एक ही जैसा हुआ। आवर हार्ड वर्क, हमारा कठिन परिश्रम। इंश्योर्स, सुनिश्चित करता है। पामी डेज, खुशी के दिन, सुख समृद्धि के दिन। इन आर लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि के दिन को हमारा कठिन परिश्रम सुनिश्चित करता है। यह हुआ 48 का मतलब। नाउ पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट तो आप जानते हैं ये औरतों का एक पोशाक है, पेटीकोट। तो पेटीकोट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट वैसे लोग चलाते हैं जो पेटीकोट पहने हुए हैं, मतलब औरतों का शासन। हमारे देश में अभी भी बहुत से फैमिलीज हैं जहाँ पे फैमिली का मुखिया एक लेडी है, तो जिस फैमिली के मुखिया एक लेडी है तो कह सकते हैं कि उस फैमिली में पेटीकोट गवर्नमेंट चलता है, क्योंकि मुखिया है तो उनकी बातें माननी पड़ेगी सबको, परिवार के लोगों को। तो सम फैमिलीज रन, कुछ परिवार चलते हैं अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट, औरतों के शासन के अधीन, कुछ परिवार औरतों के शासन के अधीन चलते हैं। ये हो गया यूज पेटीकोट गवर्नमेंट का। नाउ प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स की हिंदी होते पक्ष व विपक्ष, पक्ष व विपक्ष। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है अभी दिल्ली में। तो आपसे कहा जाए कि इसके प्रोस में कुछ बोलिए, अच्छा है कॉन्स में कुछ बोलिए। प्रोस मतलब फेवर और कॉन्स मतलब अगेंस्ट। यहां लिख देता हूं, इसको पढ़ते हैं प्रोस और इसको पढ़ते हैं कॉन्स, दोनों के अंत में एस होता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रोस और कॉन्स, पक्ष विपक्ष। और यहाँ पे जैसे अब फार्मर्स में क्या कहेंगे आप कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो कहेंगे कि वो अपनी, उनको डर है कानून से कि उनको हानि हो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको डर को समाप्त किया जाए। यह पक्ष में बात हो सकती है। विपक्ष में क्या हो सकती है कि अगेंस्ट एस रहता है, कि
वो फार्मर्स नहीं, वो दलाल हैं, उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा, दलाली खत्म हो जाएगी, इसलिए विरोध कर रहे हैं फार्मर्स के नाम पे। ये विपक्ष की बात हो जाएगी। मैं ऐसे अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देकर जो न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं वहां से बोल रहा हूँ। तो इस तरह से किसी मुद्दे के पक्ष में बोलना प्रोस कहलाएगा और मुद्दे के विपक्ष में बोलना कॉन्स कहलाएगा। फेवर अगेंस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो प्रोस एंड कॉन्स का बहुत प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे आप। तो एवरी इशू, प्रत्येक मुद्दा, इशू मतलब मुद्दा, प्रत्येक मुद्दा हैज प्रोस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष रखता है। प्रत्येक मुद्दा पक्ष एंड विपक्ष रखता है। मदर विट, ऑयली टॉम, पोमिडेज, पेटिकोट गवर्नमेंट, प्रोस एंड कॉन्स, आप याद रखेंगे इनको। इनमें पांचों में जो प्रोस एंड कॉन्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।